में कनेक्शन लॉस हो गया था, बोलिए जी। सिंह साहब को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस विचारों को लेकर के हिंदू देव सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे ने आपसे इतनी दूर रहे और जिस शरद पवार जी के साथ मिलकर के आज दिन में आप तारा देख रहे हो कि सरकार बनाने की सोच रहे हो, इन्होंने आदरणीय श्रीमती सोनिया के नाम पर एक खुद अलग हुई है, अलग होकर के वहां पर क्या किया, वो गद्दारी था कि वफादारी था? सिंह साहब से मैं जानना चाहता हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने अपने जीते जी कभी भी इन लोगों को स्वीकार नहीं किया। आज उद्धव ठाकरे साहब इनसे कंधे से कंधे मिलाकर के सरकार देखने की बात करते हैं, सीट शेयरिंग की बात करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि शिवसेना में दो फाड़ होगी, हुई। पूजा जी, हमारे शिवसेना में दो फाड़ नहीं, हम नहीं समझते हैं कि शिवसेना में दो फाड़ हुई। हम तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को संभालते हुए, जतन करते हुए उस विरासत को बचाने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया, इसलिए हम शिवसेना है, हमारे पास सिंबल है। और इसलिए बड़े गर्व से हम दिल्ली के सदन में कहा कि ये बाला साहब, माननीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन जनता ने भी तो कुछ फैसला दिया ना, जब जनता की अदालत में गए तो फैसला किसके पक्ष में सुनाया, एमवीए या महायुति? एमवीए को 17 पे ला, एमवीए जो कि कितने कम सीटों के साथ खड़ा था वो सीधा 30 पे पहुंच गया और आपकी पार्टी 17, आपका गठबंधन 17 पे आ गया। पूजा जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि ये जाना चाहता हूं कि राजनीतिक पटल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये हमारा मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी बीते हुए सत्र में 2 सीट हुआ करते थे। आप 2 सीट से अगर 400 पार करने की बात की है तो ऐसी ताकत चाहिए, ऐसी छाती चाहिए। और आज मेरे इन्हें समझ में आ रहा है कि विपक्ष, माना कि विपक्ष कुछ हद तक मजबूत हुआ है। पूजा जी, मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो लड़ाई विपक्ष से कम है, अपनों से ज्यादा होगी। शरद पवार भाई, अजित पवार तो साफ कह रहे हैं ना कि भाई उतनी ही सीटें चाहिए जितनी आपकी पार्टी को मिलेगी। अजित पवार, जहां तक पूजा जी, किस पार्टी को क्या मिलेगा आने वाले विधानसभा में, वो आने वाला कल इस सीट का जवाब देगा। खाली मैं इतना आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस गठबंधन में, महायुद्ध गठबंधन में, किसी इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी परिणाम है वो हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनमत को हम उनका अभिनंदन करते हैं कि जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उसको मैं स्वीकार करता हूं। और स्वीकार करने के तत्पश्चात इस राष्ट्र की अखंडता के लिए एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, स्थापना होती है। ये देश इस बात का गवाह है। विपक्ष को इतनी बड़ी चुनौती कि विपक्ष जितना सब मिलकर के उतना नहीं आंकड़ा खड़ा कर सका जितना भारतीय जनता पार्टी का अकेला उनका आंकड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो नहीं ले पाई ना, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। नहीं, मैं विपक्ष की बात करता हूं कि विपक्ष उतना नहीं छुपाया जितना अकेला भारतीय जनता पार्टी का उनका आंकड़ा रहा। लेकिन सदन में लगभग बीजेपी के बराबर ही आकर खड़ा हो गया ना विपक्ष? नहीं, कैसे बराबर खड़ा हो गया? उन आंकड़ों को देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से आपने कहा, कभी कभी बताया ना कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को पूजा जी नकारा नहीं जा सकता। बोले मोहम्मद आजम साहब, नकारा नहीं जा सकता। मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप दीजिए।